क्या यूएस का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीतते ही डोनाल्ड ट्रंप ने घुमा दिया रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को फोन और कहा कि यूक्रेन में लड़ाई बंद करो? अमेरिका के वॉशिंगटन पोस्ट अखबार का तो यही कहना है। वॉशिंगटन पोस्ट के अनुसार ट्रंप ने पुतिन को फोन किया और कहा कि समय आ गया है कि रशिया और यूक्रेन की लड़ाई को खत्म किया जाए। हालांकि इस न्यूज में एक ट्विस्ट है। रशिया की तरफ से कहा गया है कि ट्रंप और पुतिन के बीच में ऐसी कोई फोन पे बात हुई ही नहीं। जी हाँ, रशिया के एक स्पोक्स पर्सन ने कहा कि ये खबर पूरी तरह से झूठ है। अब सोचने की बात यह है कि क्या अमेरिका का एक इतना बड़ा अखबार झूठ बोल रहा है, वो भी एक ऐसी खबर को लेके जो यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ी हुई है, या फिर रशिया इस बात को मानना नहीं चाहता ताकि पुतिन की जो एक टफ मैन इमेज है वो बनी रहे। देखिए, पूरा खेल ये साबित करने का है कि आखिर बड़ा नेता कौन है। अगर फोन पे बात हुई है, ये खबर सच है, तो इसको दो तरीके से देखा जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप की पूरे वर्ल्ड में इमेज बढ़ेगी, उनको एक ऐसे नेता के रूप में देखा जाएगा जो आते ही वर्ल्ड में शांति लाना चाहते हैं। और अगर नियर फ्यूचर में वाकई रशिया और यूक्रेन की लड़ाई खत्म हो गई, तो ट्रंप क्रेडिट लेते फिरेंगे कि देखिए मेरी वजह से लड़ाई खत्म हुई। वहीं दूसरी तरफ रशिया को एक ऐसी कंट्री की तरह देखा जाएगा जिसने यूएस की बात मानकर लड़ाई खत्म कर दी, और रशिया कभी भी ये नहीं चाहेगा कि उसको एक ऐसी कंट्री के रूप में देखा जाए जो यूएस की बात मानती है। जिनको नहीं पता उनको मैं ये बता दूं कि ट्रंप ने अपने प्रेसिडेंशियल कैंपेन्स में ये बात बोली थी, अगर वो यूएस के प्रेसिडेंट बनते हैं तो रशिया और यूक्रेन के बीच में जो लड़ाई चल रही है इसको खत्म करवाएंगे। अब देखना ये होगा कि आखिर ट्रंप ये करेंगे कैसे। लेटेस्ट न्यूज वीडियोस के लिए यूट्यूब चैनल अनुराग शासन को सब्सक्राइब करना ना भूलें।